फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंच इकॉम। माय नेम इज अल्बर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल जो नए सेलर्स हैं, जो अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर वो उनके दिमाग में डाउट होता है कि अगर ऑर्डर आ जाएगा तो कैसे करें, सारे स्टेप्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि जो नए सेलर्स है उनको काफी हेल्प मिल जाएगा। सो आपको अकाउंट कैसे बनाना है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। आप कैटलॉग कैसे बनाएं, ब्रांड अप्रूवल कैसे लें, उसको भी मैंने ऑलरेडी आप बताया हुआ है। सो एक जो टॉपिक है, जो ऑर्डर आ जाने के बाद, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लाइव कर दिया, उसके बाद आपके पास अगर ऑर्डर आ जाता है तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट में मैंने देखा था, कुछ जो सेलर्स थे, न्यू सेलर्स थे, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज डेफिनेटली, हालांकि टॉपिक बिल्कुल छोटा है, शायद जो ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं या जो ऑलरेडी पुराने जो सेलर्स हैं उनके लिए तो शायद इन्फॉर्मेशन लगेगा, बिल्कुल ऑलरेडी जो उनको जान उस चीज को जानते हैं तो शायद उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, या फिर लेकिन जो नए सेलर्स हैं या फिर जो सोचते हैं कि यस कैसे करना है, क्या कैसे करें, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा कि यस जो लिस्टिंग बनाने के बाद ऑर्डर आ जाए तो कैसे प्रोसेस करना, उसको भी मैं एक छोटे से अकाउंट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्लिपकार्ट के रिलेटेड या फिर कह सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल्स बूस्ट के लिए कैसे आप अपना ऑर्डर 10 गुना बढ़ा सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उनको फॉलो करके आप अपना ऑर्डर्स बढ़ा सकते हैं, या फिर कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स कह सकते हैं, तो उनको मैंने सारे स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताया है। और ये दूसरा जो टॉपिक होता है, जो सबसे बड़ा जो होता है, चैलेंजिंग होता है, जो नए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने की सोचते हैं या फिर जस्ट वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, तो उनके लिए एक टॉपिक जो मैं स्पेशल कवर करता हूं, जो कैटेगरी का एनालिसिस करके, किसी भी पर्टिकुलर वर्टिकल को एनालिसिस करके उसका जो स्कोप समझाता हूं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्स आते हैं, कितने अर्निंग स्कोप हैं। सो उन सारे वीडियोस को देखने से लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि यस, या फिर उनके दिमाग में एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने की एक कह सकते हैं कि एक जो मोटिवेशन आ सकता है उसको देखने से कि यस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने से इतना अर्निंग किया जा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर है, क्योंकि अगर उसी कैटेगरी में वो सेल कर रहे हैं तो उनको देखने से आइडिया लग पाएगा कि यस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने से इतना अर्निंग कर पा रहे हैं, और अगर आप उतना नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली ए काइंड ऑफ लेसन है आपके लिए कि यस आप ऐसा कुछ क्या करें जो आप इतना ऑर्डर पा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई आपको ऑर्डर आ जाए तो इसको कैसे प्रोसेस करना है। जब आप लिस्टिंग बनाने के बाद कोई ऑर्डर आता है तो सबसे पहले अपकमिंग ऑर्डर्स में आता है, तो जो ऑर्डर्स अपकमिंग ऑर्डर्स में दिखता है आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। जब यहां से अप्रूव हो जाता है तो पेंडिंग लेवल्स में आ जाता है, तो पेंडिंग लेवल्स में जो दिखता है उन्हीं ऑर्डर्स को आप प्रोसेस कर सकते हैं, आप कोरियर पिकअप के लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप उसके लिए आप यहां पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस ऑर्डर को, उसके बाद यहां पे जनरेट लेबल्स पे क्लिक करेंगे। जनरेट लेबल्स पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे आप जो देखेंगे यहां पे प्रोसीड लेबल्स, जब प्रोसीड लेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे जब कंफर्म करेंगे यहां जो उसके बाद क्या होता है कि जो लेबल्स होता है जो कोरियर के जो पीछे जो चिपकाते हैं एड्रेस वगैरह, यहां पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया, इसी को आपको प्रिंट करके आपको चिपकाना होता है पैकेजिंग के ऊपर। उसके बाद आप यहां पे देखिए, जब आपका ऑर्डर पैक यहां पे आपको अभी अभी भी क्या हुआ है, अभी भी जस्ट ये दिखाएगा कि अभी रेडी हो रहा है, अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है डिस्पैच के लिए। आपको क्या करना है, दोबारा से आपको जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा उसको दोबारा से आपको यहां पे क्लिक करना है और मार्क आरटीडी मतलब रेडी टू डिस्पैच, जब आप रेडी टू डिस्पैच कर लेते हैं तब जाकर के ये आपका यहां पे ऑर्डर, देखिए आप यहां पेंडिंग हैंड ओवर, यानी कि अब जाकर के कोरियर वाला पर्सन आएगा और पिक करेगा, यानी कि यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, पेंडिंग लेवल से पेंडिंग आरटीडी और पेंडिंग आरटीडी से पेंडिंग हैंड ओवर, जब यहां आप कर देते हैं तब आपका जो ऑर्डर कोरियर पर्सन को दिखना शुरू हो जाएगा
और अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार आकर के पिक कर लेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहां से आरटीडी से पहले आपको प्रोडक्ट को पैक कर लेना है। सो यही चीज बताना था जो कि नए सेलर्स के लिए जो हेल्पफुल हो सकता है, जिनको डाउट होता है कि कैसे करना होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कई सारे कमेंट्स देखा, उसको ले करके उसको एनालिसिस करके मैंने ऐसे कुछ वीडियो बनाता रहता हूं, और बाकी डेफिनेटली न्यू वीडियोस में बनाता रहूंगा जो कैटेगरी एनालिसिस के लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा कि यस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट डेफिनेटली अप्रिशिएटेड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए अपना करियर बना सके या ऑर्डर बढ़ा सके। सो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।